दबंग बने शिक्षक, डीएसए से उचित कार्रवाई की मांग। खबर जनपद बलिया के थाना नरही क्षेत्र अंतर्गत चौरा गांव से है, जहां बीते दिनों गोबर फेंकने को लेकर हुए विवाद में गोली चल गई थी, जिसमें अरविंद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह के ड्राइवर अर्जुन पटेल पुत्र श्याम नारायण पटेल को गोली लगी थी, जिसका उपचार ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में जारी है। अरविंद कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पत्रक सौंप न्याय की गुहार लगाई है। अरविंद कुमार सिंह ने पत्रक में जिक्र किया कि गोली चलाने वाले दिनेश प्रताप सिंह व किशन प्रताप सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसके बाद दोनों लोग फरार चल रहे हैं। बताया कि दिनेश प्रताप सिंह प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 कथरिया में शिक्षक है तथा किशन प्रताप सिंह प्राथमिक विद्यालय जिगनी में शिक्षक है। बड़ा गंभीर विषय है कि ये शिक्षक बच्चों को शिक्षा देंगे क्या, बच्चों के भविष्य के साथ बड़ी लापरवाही है। अवैध तमंचा लेकर घूमने वाले शिक्षक बच्चों को गोला बारूद की जानकारी देंगे। अरविंद कुमार सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। नाम अरविंद कुमार सिंह है, ग्राम पोस्ट चौरा है। अरविंद जी, क्या मामला है, क्या हुआ? ऐसा है कि ग्राम समाज की जमीन दबंगों द्वारा कब्जा की जा रही थी, उसमें जो है हमने हस्तक्षेप किया, जिसके चलते उन्होंने गिरोह बना करके और आ करके अचानक जो है फायरिंग की है, जिसमें हमारा ड्राइवर जो है, हमारे यहाँ काम करने वाला ड्राइवर, उसको वो लोग गोली मार दिए और गोली मार करके फिर फरार हो गए। वो शिक्षक हैं दिनेश प्रताप सिंह और किशन प्रताप सिंह, गांव के ही हैं और दोनों शिक्षक हैं। शिक्षक के द्वारा ऐसी कार्यप्रणाली, अगर देखिए शिक्षक के द्वारा, उनका तो पूरा आपराधिक इतिहास रहा है। ये मैं पूरा चिट्ठा लेकर आया हूँ, कहाँ कहाँ वो लोग क्या क्या मैंने उन लोगों का मुकदमा है, हैं उनका पूरा चिट्ठा लेके मैं उनके ऊपर कुछ नहीं तो 7-8 मुकदमे दर्ज हैं। 7-8 मुकदमे दर्ज हैं और लोगों का ये काम हो गया है। इसके पहले प्रमुखी के चुनाव में वो शिक्षक हैं, उसके बाद भी जो है पिस्टल, अवैध पिस्टल रखते हैं और लहराते हुए जो है अपना घूम रहे थे, सब सीसीटीवी में कैद है, लेकिन कोई मुकदमा उस समय नहीं हुआ। उन लोगों के दबंगई के डर से कोई खड़ा नहीं होता है मुकदमा दर्ज कराने के लिए। बलिया जनपद की डीएम जो है बड़ा न्यायिक है, क्या न्याय लगाना चाहेंगे उनसे? मैं उनसे जो है यही गुहार करना चाहूँगा, डीएम महोदया से, कि आप जो है इसको जो है इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। पहले इनकी नौकरी जो है, ऐसे शिक्षक ये बताइए, गोली मार शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? बच्चों को बम फोड़ना सिखाएंगे? बच्चों को बम फोड़ना पढ़ाएंगे? यही ना पढ़ाएंगे? कट्टा तमंचा थोड़ी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये लोग पिस्टल लेके अवैध घूम रहे हैं तो ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी से, हमारा जो है बीएसए सर से, हमारा अनुरोध है कि वो जो है इन पर कड़ी से कार्रवाई करके पहले इनको सस्पेंड करें, हैं पहले इनको वो सस्पेंड करें, ये मेरा उनसे गुजारिश है। विपक्षी दल का कहना है कि गोली हम लोगों के द्वारा नहीं चलाया गया था, गोली वो लोग फंसाने के लिए चलाए हैं। गोली जो है उन लोगों के द्वारा ही चलाया गया था, जब जो मैं भी वहाँ था, वो मेरा ड्राइवर भी वहाँ था, क्योंकि जो जमीनी विवाद हुआ था वो हमसे ही हुआ था, तो हम वहीं थे। ये लोग बाद में गिरोह बना करके आए और तनातन दोनों चाचा भतीजा जो है ठाई ठाई गोली मार दिए ललकारने पर, हैं। तो ये बीएसए अगर कार्रवाई वो नहीं करते हैं तो हम इसके लिए भी अब ऊपर से ऊपर जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। ये थोड़ी है कि हम यहीं बैठे रह जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री जी तक जाने की जाऊंगा।